फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ मैं पोहा। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए थोड़े से राई के दाने और इसमें मैं रोस्ट कर लूँगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और ले लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली और काजू। आप चाहे तो और नट्स भी मिला सकते हैं, जैसे मखाना, किशमिश वगैरह भी, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मैं इनको अभी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, लाइट ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पोहा और ऊपर से गार्निश कर दूँगी इसको मैं प्याज, अनार के दाने, धनिया, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च ले ली है और ऊपर से मैं बाद में थोड़े से अनार दाना डाल दूँगी। और इसमें ना मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सिंपल मसाले डालोगे तो नमक, हल्दी मसाला और नींबू डाल सकते हो, पर जो मैंने पोहा लिया है इसमें पहले से ही मसाले का पैकेट था तो मैं यही डालूंगी। और इस मसाले में किशमिश के भी पीसेस थे और ये मसाला खट्टा मीठा काफ़ी टेस्टी था। और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ अनारदाने और ये मेरी प्लेट एकदम रेडी है। और इसमें देखो काजू कितने अच्छे से रोस्ट हुए हुए। अब दर्शु भी कर रही है ब्रेकफास्ट और मैं भी कर लेती हूँ। मैं फटाफट से घर के और काम भी कर लेती हूँ। मैंने लगा दिए मशीन में कपड़े और डालती हूँ मैं बाहर। यहाँ पे दर्शु मस्ती कर रही है और साथ में टीवी भी देख रही है। और मैंने किचन में भी रख दिया है दिन का लंच। और आज आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा मुझे भेटोला देने और साथ में मम्मी लोगों को हॉस्पिटल वगैरह भी दिखाना है। तो आज मैंने लंच में बनाया है चावल, दाल, सैलेड और घी और चटनी है। तो अब कर लेते हैं लंच। कैसा हो रहा दर्शु? और दर्शु कर रही है सेल्फ सर्विस, खुद ही खा रही है, खुद ही गिरा रही है। आपके पांच बज चुके हैं और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। और ये देखो नाती पोते और नानी का प्यार। ही हंसे हंसे कर ले, हंसे कर दे ही। अभी तो नाराज हो रही है। अब आज अब हंस आठो आठो हंसेगी दर्शु, हंसेगी ना? अभी तो अभी नॉन स्टॉप हंसेगी। तो मैंने अभी सामान भी खोल चुका है क्योंकि मम्मी बोल रही थी ख़राब हो जाएगा, जल्दी से खोल लो। तो मैंने खोल दिया है। तो मम्मी लोग यहाँ पे घर से केले, मिठाई, मट्ठा, घी वगैरह, सब्जी वगैरह बहुत सारी चीज़ लेके आए हैं। और दर्शिका लोगों के लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आए हैं। तो ये देखो सामान। और दर्शिका तो सब चीज़ पकड़ रही है और सोच रही है कि मैं ये भी खाऊँ, वो भी खाऊँ। तो उसको काफ़ी क्यूरियसिटी हो रही है सब चीज़ को देख कर। नहीं गिराएगी, बस टेस्ट करेगी, रख देती है। एक वो ही उठा, एक खा। दे तो। नानू को दे, नानू को दो, दिखाओ अपनी चॉकलेट। किसने दी? बताओ किसने दी आपको? कौन सी खाएगा? किसने दी? डेयरी मिल्क। हां ले ले दोनों। किसने दी? बाहर में खाना। तो मैं भी आ गई हूँ अभी किचन में मम्मी लोगों के लिए चाय और पकौड़े बनाने के लिए। और मैं चाय जो मम्मी लोग दूध लेके आए थे उसी की बना रही हूँ। मैंने चेक करा तो ये दूध नहीं फट रहा था। तो घर की दूध की चाय वैसी बड़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है क्योंकि प्योर दूध है। तो मैं भी पीऊँगी इसकी चाय। तो अब खा लेते हैं चाय और पकौड़े।
रेडी है बनके, तो देते हैं मम्मी पापा लोगों को और दिखाते हैं कैसा बना है, देखते हैं। सही बात।